नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहे, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मेरी एक जो वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आए थे आप लोगों से, आप लोगों का बहुत ही आभारी हूं। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, वो आपको बहुत ही अच्छी मीनिंगफुल लगी, बहुत अच्छी एडवाइस लगी। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने उसके बाद मुझे कुछ पूछा है जिसका जवाब मैं आज दूंगा। जैसे कि नए कलाकारों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे दोस्त और मेरी फैमिली के मेंबर ही तो है, उन्होंने पूछा है कि हम लोग नए हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है, हमें कुछ पता नहीं रहता और हमें कोई गाइड नहीं मिलता। तो आपके वीडियो से बहुत ही गाइडेंस मिला है, हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। उन्होंने एक ने पूछा है कि हम जब जाते हैं तो हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो भी हम बना के देते हैं, तो कैसे भेजने चाहिए, कहाँ भेजने चाहिए। ईमेल आईडीज भी बहुत सारे लोगों ने मांगी है। तो दोस्तों, ईमेल के लिए भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और ये आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप जाओ तो जो भी एजेंसी है या जो भी है उनसे पहले मिलिए, उनसे बात कीजिए कि मैं इनके थ्रू आया हूँ या तो मैं डायरेक्ट आया हूँ। अगर आप वो चाहे तो इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद अपने बारे में कुछ बताइए। इंट्रोडक्शंस कैसे देना है, कैसे क्या क्या बात करना है, वो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा, वो देख के जाइएगा। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन जो भी है वो पूरा कर दीजिए, जिसमें आप अपनी हाइट वाइट जो भी है बताइए, ईमेल आईडीज बताइए, जो भी हो तो मोबाइल भी बताइए, मोबाइल नंबर भी बताइए और आपने क्या क्या काम किया है वो भी बताइए। दोस्तों, बहुत सी बार ये हो जाता है कि हम लोग चले जाते दूसरों के साथ चले जाते, हम लोग पहले जाते ऑडिशंस में तो हमें डर तो लगता है कि क्या होगा, क्या पूछेंगे, क्या करना होगा। तो ये डरिए मत, क्यों कि दूसरे लोग आके आपको बताएंगे ये होता है, वो होता है, ये पूछता है, बहुत हार्ड है ये वो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन आपके एक्टिंग में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा खुले मन से जाइए, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी इच्छाएँ लेके मत जाइए, जाइए सीधा एज ए फ्रेश हो तो फ्रेश जाइए, कोई बात नहीं। उनको आपके निखालसता, आप कितने क्लियर हो, वही उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो यही देखना चाहते हैं कि कैमरा के सामने आप कितने स्टेबल हो, कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हो, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। तो जब भी एक्सप्रेशन की बात आती है तो ज़रूर दिखाइए। तो दोस्तों, जो भी आपको मोनोलॉग मिले याद कीजिए, मोनोलॉग में ये होता है कि आपको मोनोलॉग तो इसलिए बोले जाते हैं कि आपकी आवाज़ कैसी है वो मालूम पड़े, आप पे एक्सप्रेशन कैसे है वो मालूम पड़ते हैं। और दोस्तों, बहुत से बार जो बाहर के लोग आए हैं मुझे, उन्होंने भी मुझे पूछा है, एक सूरत से किसी ने मुझे पूछा है, प्रवीण पटेल सूरत से आए मेरे दोस्त ने पूछा है कि सर, हमारी लैंग्वेज में, हमारे डिक्शन में गुजराती टोन जो आ जाता है, तो दोस्तों ये टोन आप दूर कर सकते हो। मैं भी गुजराती हूँ, लेकिन मेरे टोन, जब मैं गुजराती बोलता हूँ तो गुजराती में टोन आता है, लेकिन हिंदी के लिए कुछ टोन्स होते हैं और वो भी उस टोन में अगर आप बोलोगे तो पता नहीं चलेगा कि आप गुजराती हो। कोई कोई डिक्शन भी जो भी आपका होता है वो क्लियर होना चाहिए। डिक्शन के लिए भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, वो भी आप देखिएगा। तो दोस्तों, बहुत से बहनों ने भी मुझे पूछा है कि एक्टिंग लेडीज़ के लिए कितना सेफ्ट है, बॉलीवुड कितना सेफ है। दोस्तों, ये मैं कहूँगा, उनकी माओं से कहूँगा, उनके पिताजी से भी कहूँगा कि आप सेफ्टी तो अच्छी बात है, लेकिन बॉलीवुड ऐसा इतना ये नहीं है, वो तो इतना है कि आप कितना रिस्पॉन्स करते हो उसी पे है, लेकिन अगर आप अपने आप को संभालते हो तो किसी की हाथ नहीं कि आपको कुछ कर सके। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में आइए, कोई डरने की बात नहीं है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से नए नए जो लड़कियां जो है वो भी आ रही है, बहुत से अच्छे पढ़े पढ़े अच्छे घर की भी लड़की आ रही है, बहुत से लोग इसका कोर्स करके भी आते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे रहो, आप सबसे अच्छे मिलके रहो तो कोई बात आती नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा मीडियम है, तो अपनी कला दिखाने का भी मीडियम है, और अगर आप करके दिखाओगे, कला दिखाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों,
किसी के बहकावे में मत आइएगा। बहनों से भी मैं कहूँगा कि किसी के बहकावे में मत आइए, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, वो नहीं। आपके पास अपनी टैलेंट है, वही दिखाइए, उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमारे बड़ौदा के बहुत से प्यारे से दोस्त थे, उनको भी मैं कहूँगा ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों नए, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो देखिए, अभी क्या होता है कि नए नए लोगों को टिकटॉक वीडियो ये सब जो बनाने का होता है, तो आजकल नई नई पीढ़ी है तो नए उसमें तो करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है और बुरा भी नहीं है। आपके टैलेंट दिखाइए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उससे बहकावे में मत आइए। कोई आपको कुछ भी कह दे उससे बहकावे में मत आइए। अपना सोचिए अपने मन की और स्टेबल रहिए। अपने पिताजी या तो अपने माताजी जो भी हो, गाइडेंस लीजिए उनसे, उनका साथ रहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी सक्सेस मिलती नहीं भी है, मेहनत भी करनी पड़ती है, एक साल दो साल तीन साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन जो मकाम आप पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे लोगों से मिलिए जो काम करते हैं या तो ऑडिशंस लेते हैं, अच्छे जो राइट पर्सन है, राइट ऑडिशंस जहाँ पे होते वहीं पे जाइए। मेरे पास मैंने जो भी बीच में ईमेल आईडीज भी दी थी और मैं बीच में आपको देते रहूँगा कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे कलाकार की ज़रूरत है। तो दोस्तों यंग लड़के जो है वो संभल के आइए, मुंबई में आए तो पहले अपना घर का रहने का भी ये सब करके आइए, और थोड़ा सा अमाउंट रखना ज़रूरी है क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, बहुत सी जगह पे जाना पड़ेगा, ऑडिशन देनी पड़ेगी। यंग हो, गर्म खून है तो मेहनत तो करोगे, लेकिन सही दिशा में जाइए। आपको क्या चाहिए वही सोचिए। दोस्तों मेहनत हमेशा फल देती है। तो बहुत से मेरे बड़ौदा के दोस्त हैं, बहुत से वो जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि सही गाइडेंस और सही मात्रा में अगर आप काम करोगे तो ज़रूर आगे बढ़ोगे। किसी का सही गाइडेंस लोगे तो ही ज़रूर बढ़ोगे आगे। हो सकता है आपके शहर में एक्टिंग क्लासेस हो, एक्टिंग स्कूल हो, तो उसमें भी आप जाइए, या तो फिर ड्रामा ग्रुप हो उसमें भी आप जाइए। उससे क्या होगा कि आपकी झिझक दूर हो जाएगी, और वहाँ पे ये होता है कि वो लोग डिक्शन सिखाते हैं। डिक्शन सिखाने से क्या होता है कि आप क्लियर बोल सकते हो, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना एजुकेशन पूरा करके ही आइए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी वाला ये एक जरिया है, और ये इसे अगर आप अपनी करियर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत लगेगी। सेकंड ऑप्शन के लिए आप अपना ग्रेजुएशन तो पूरा कीजिए, यानी जब जब आप मेहनत करोगे तो घर पे बोझ ना बनो, बाहर कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ काम करके ऑडिशन देते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट डायरेक्शन भी कर सकते हो, बहुत से फील्ड है जिसमें आप मेहनत भी कर सकते हो और अपना पैसा भी कमा सकते हो, और जो भी है मुंबई में रहने का खर्चा वो आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों मेरे यही विनती है आप लोगों से कि सोच समझ के आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए, ऐसे ही किसी के बहकावे में आके मत आइए। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू, ये मेरा कंक्लूडिंग पार्ट है, वीडियो है। पहले वीडियो बहुत से लोगों ने कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे तो उसके जवाब में मैं ये दे रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते रहिए, ऐसे ही मेरे साथ रहिए, मैं आपको गाइडेंस करूँगा, हमेशा गाइडेंस दूँगा। मुझे कुछ भी है तो आप लिख के भेजिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों जय हिंद, आई लव यू फ्रेंड्स। पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोज में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।